अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो लेके आए आपकी खिदमत में। और उसका नाम है पनीर मटर पनीर। तो आज देखिए, माशाल्लाह से हमने तीन प्याज काट दिए, तीन बड़ी हरी मिर्ची काटे हुए ये है, और तीन टमाटर है। तीन टमाटर ऐसे काटना है, पीसना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपको ये 2 चम्मच तेल डाला हुआ है हमने, मीडियम चम्मच, बड़ा नहीं, और उसको गरम किया है हल्का सा। और इसको हम कांदा अंदर डालेंगे, मिर्ची अंदर डालेंगे, कांदा डालेंगे जो जो हमने काटा था, और इसके बाद जो तीन टमाटर था उसको भी डाल देंगे अंदर। और इसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा ये करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। इसको एकदम ब्राउन भी नहीं करना है, ना फिर टमाटर को इतना भी भूनना नहीं है, एकदम मीडियम करना है, मीडियम आंच पे, ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, बस थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। और इसके अलावा आप एक अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। मैं भी नमक डाल रहा हूँ ताकि जरा टमाटर भी बहुत जल्दी नरम पन आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट तक आपको ऐसा थोड़ा लो आंच पे रख के ऐसे भूनते रहना है इसको। फिर इस पे ढक्कन ढक देना है, और थोड़ा अंदर, ज़्यादा भी इसको भूनना नहीं है, एकदम बोले तो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आता है ना, उतना ही आना चाहिए, और कांदे वगैरह ये सब जलना नहीं चाहिए अंदर, ठीक है। अभी फ्रेंड्स, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, ये एक, और ये 2, और इसको थोड़ा और हल्का फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड, जहाँ तक हमें चाहिए था ये फ्रॉस्ट हो चुका है माशाल्लाह से, और अभी इसको हम निकाल के मिक्सर में पीस डालेंगे, ठीक है। अभी माशाल्लाह से हमने वो तो निकाल दिए और उसको पीसने में डाल दिए। अभी ये थोड़ा सा हम मटर को फ्राई करेंगे, मटर फ्राई, तो इससे कैसा थोड़ा फ्राई का टेस्ट आएगा, ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, थोड़ा यूनिक चाहिए ना हर चीज़, इसीलिए। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो माशाल्लाह से हमने जो फ्राई किया था सारा कांदा टमाटर वगैरह, वो हमने पीस लिया है अभी। अब पीसने के बाद में अभी इंशाल्लाह आगे का प्रोसेस ये है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें 2 चम्मच ऑयल और जीरा डालेंगे, 1 चम्मच, और उसको हल्का सा ये होने देंगे। और उसके बाद में हम लेंगे 2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची। कश्मीरी मिर्ची लेने के बाद में थोड़ा सा इसको हम ये करेंगे मिक्स, और उसके बाद में डायरेक्ट ये डाल देंगे जो हमने पीसा था कांदे और ये सब का, ठीक है। तो इसमें माशाल्लाह देखो कलर भी आ रहा है उभर के, और बाकी सब भी आएगा इंशाल्लाह, बाकी आगे देखते रहिए। और इसको ऐसे भूनते रहना है कम से कम 10 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच हल्दी, और फिर इसको हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, और आहिस्ते आहिस्ते हिलाना है, और स्लो फ्लेम पे रख के हिलाना है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है। माशाल्लाह से देखिए लाल लाल हो गया है हमारा मसाला, तो
अब हमारे को क्या, इसके बाद हमारे को टमाटर डालना है, सॉरी टमाटर बोल रहा हूँ, मटर डालना है। मटर जो हमने भुना था उसको इसमें डालना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में फिर हल्का सा, अब इसके बाद थोड़ा मिक्स करते रहना ताकि सारे मसाले जो है टमाटर सॉरी मटर में मिक्स हो जाए। मजाक करने की आदत है मुझे, तो आप मेरी बातों को सीरियस मत लीजिए है ना। बाकी आप तो देख ही रहे मैं क्या डाल रहा हूँ। माशाल्लाह से हमने 5 मिनट तक इसको बंद करके और अभी ओपन करके बीच बीच में हमने खोल खोल के देख के इसको हिलाते गए। अब थोड़ा सा हम पानी मिक्स करेंगे, आधा कप, ताकि मटर को पकने में तकलीफ ना हो। थोड़ा ग्रेवी टाइप रहेगा तो कैसा है, मटर भी पकने में आसानी रहेगी है ना, मटर को पकने में आसानी रहेगी। माशाल्लाह से अभी हम लोग है ना इसको 5 से 10 मिनट तक ये किए। अब पनीर डालने की बारी आ गई है। बिस्मिल्लाह बोलते बिस्मिल्लाह, ये 250 ग्राम पनीर लिया था मैंने, और ये पूरा 250 ग्राम मिक्स करेंगे हम लोग अच्छे से इसको। पूरा सालन ग्रेवी जो है मिक्स होना चाहिए, एक एक पनीर के कोने कोनों में जाना चाहिए ये ग्रेवी, तभी तो इसका टेस्ट आएगा। अब हमने पनीर डाल दिया है, उसके ऊपर अभी हम एक आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद 10 मिनट लो आंच पे रख देंगे। माशाल्लाह से ये हमारा मटर पनीर हो चुका है, और अभी इसमें फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं हम, कोथमीर डाल रहे हैं। और आप भी बनाइए ऐसा, और हमें भी बताइए कैसा बनाया आपने, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी बनाइए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। और आज की अच्छी बात, जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं। और आज की दूसरी अच्छी बात है, या अल्लाह मुझे आखिरत को संवारने की कोशिशें करने वालों में रख, और मेरे लिए अपने रास्ते को आसान तर फरमा दे, आमीन। और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।